तो दादाजी के निधन के बाद काफ़ी काया पलट हो चुकी है आपकी ज़िंदगी, जहाँ पे जिस रूम में ट्रेनिंग हुआ करती थी, फिर अब शौरबरी। हाँ, एक्चुअली एक लीगल वाइफ होना ज़रूरी था, जो कि शौरबरी में लीगल वाइफ है। अब टेनी का उस रूम में उस कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात हमेशा अभी तक आ रही है, और शौरबरी के दिमाग में भी है कि टेनी ने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया सिस्टर स्टार्ट, बिना कहीं बिना कुछ एक्सपेक्टेशन किए, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, उसने हमेशा हमको दिया ही है सब। तो शौरबरी मेरे सामने भी है, लेकिन तब भी मैं टेनी के बारे में सोच रहा हूँ। तो टेनी जहन में है, शौरबरी आंखों के सामने है, तो काफ़ी मतलब क्या। हाँ, यही अभी आई थिंक वही डिलेमा है मेरे दिमाग में, कि कहीं टेनी उस अपने रूम में बैठ के क्या सोच रही होगी, उसको कैसा फील हो रहा होगा, मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन होगी। कास्ट होता है शौरबरी को लगते हैं, और आप जट से भागते हैं उनको, वो जख्म उनका ठीक करने के लिए, तो ये भी कह सकते हैं कि दिल में है शायद, तभी आपके कदम आगे बढ़े हुए। हाँ, शौरबरी हमेशा से मेरा पहला प्यार रहेगी, कुछ भी होता है तो मुझे भी दर्द फील होता है। इनफैक्ट टेनी को भी जब भी कुछ होता है तो मुझे दर्द फील होता है। तो एक हड़बड़ाहट में शौरबरी को लेते तो मेरे मुँह से टेनी निकल जाता है, जो मुझे रियलाइज़ में नहीं होता। एंड वही चीज़ शौरबरी को अभी तक शायद टच हो रही है, शायद फील हो रहा है उसको, कि